सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रिंका चौधरी और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ईजी, कोई ताल नहीं लेके आई हूँ मैं आपके लिए। आज लेके आई हूँ एक थाप लगाना, जिससे बिल्कुल थाप लगाने नहीं आता है ढोलक पे। और आप लोग को पता ही है कि जिसे थाप लगाने नहीं आता, अगर उसे ढोलक बजाने आता है तो अगर वो थाप नहीं लगाता तो बिल्कुल ढोलक वो बजाता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आपको थाप लगाने बिल्कुल आना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि अगर कोई चीज़ अगर मैं गाती हूँ तो अगर गाने ढोलक को अगर मैं धीरे और तेज ना करूँ तो वो रिदम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जैसे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं अंतरा गाती हूँ, अगर अंतरा उठाती हूँ तो ढोलक का जो ये रिदम होता है थोड़ा तेज होता है, और जब मैं अस्थाई गाती हूँ थोड़ा वो अपने लिमिट में बजता है, ठीक है उसी थोड़ा। वैसे ये है आपका, आपको पता कैसे चलेगा कि क्या अब अंतरा उठेगा और कब ये अस्थाई गाया जाता है? थाप लगाने से ही पता चलता है कि आप अब अंतरा उठाओगे और आप अब ये आपका मुखड़ा उठेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको थाप लगाने बिल्कुल आना चाहिए, कि क्योंकि क्या होता है कि हम गाना अगर गाते हैं कहीं भी जाते हैं, अगर सिंपल सा केवल ताल ही बजता रहे तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए थाप लेके आई हूँ कि बहुत जल्द आपको लगाने आ जाएगा थाप। जो भी ढोलक बजाते होंगे अगर उन्हें थाप लगाने नहीं आता है तो बिल्कुल वो ये चिंतित ना रहे कि मुझे नहीं आएगा थाप लगाने, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज आप लोग के लिए वही लेके आई हूँ कि जो बिल्कुल सोचते हैं कि थाप लगाने आता ही नहीं, बस केवल मैं ताली बजाती हूँ और क्या है और मुझे नहीं आता और पता नहीं आएगा कि नहीं, नहीं ऐसा मत आप सोचो। आपके लिए ही मैं लेके आई बहुत इजी स्टेप थाप का, बिल्कुल आपको आ जाएगा, वो भी केवल 4 काउंटिंग है। 1 2 3 4। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी काउंटिंग क्या है। आपको केवल 4 बार ही मारना है। उस बार मैं क्या आपको बताई थी 4 काउंटिंग में 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। आज मैं आपको बताऊंगी 3 काउंटिंग में, ठीक है 1 2 3। और थाप आप आज आपका क्या लगेगा, आपका ये जो 3 फिंगर है ना, आपका ये 3 फिंगर ये आपका एक साथ गिरेगा और ये आपका एक साथ गिरेगा, दोनों आपका ये हैंड और ये हैंड 1 2 3। केवल 3 बार आपको मारना है और ये आपको पता ना, ये आपका बेस है और ये आपका चाटी है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे न्यू जुड़ते हैं तो उन लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता भी दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका बेस है। अब आपका हैंड जो है मैं आपको बताती हूँ, ढोलक भी सीधे बता रही हूँ, पहले देखिए 1 2 3। आपका 3 काउंटिंग में गिरेगा, बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि नहीं आएगा, आपको बिल्कुल आएगा, बस आप ध्यान दीजिए 1 2 3 1 2 3। फिर आपका ये रिदम में उठ जाएगा आपका, देखिए 1 2 3, तुरंत आपका ताल उठ जाएगा, बिल्कुल आप ये देखिए 1 2 3। आप किसी भी ताल को उठा लीजिए 1 2 3, आप कोई सा भी ताल उठा लीजिए, केवल करना है, बिल्कुल बहुत इजी है। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे थाप लगाने नहीं आता, नहीं, आप बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करें 1 1 2 3। बस आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी ये 3 फिंगर ज्वाइंट रहेगी 1 2 3, बस आपको यही लगाना है, बहुत जल्द आपको आ जाएगा, बस आपकी प्रैक्टिस करिएगा। और कमेंट करके आप बताइएगा कि मैम ये आपका थाप कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करें। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और आपके हाँ जो भी कमेंट, जो भी आपकी फरमाइश मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, मैं आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करती हूँ, ठीक है। और मैं आप लिए न्यू वीडियो लेके आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।